नमस्कार दोस्तों, आप है मेरे चैनल एंग्री फ्राइडे में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल के। इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज बोलने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही खास होगा इस साल के लिए। तो अगर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को जरूर एक्टिवेट कर दीजिएगा क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये साल है 2020, मतलब 2020। तो हम लोग जब भी किसी भी जगह में कुछ भी हम कोई भी जगह साइन करते हैं या फिर कोई पर डेट लिखते हैं तो हम लोग अभी तक कैसे लिखते आए हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 8 अगस्त, मान लीजिए 2019 साल के, तो मतलब हम लोग ऐसे ही 19 लिख के छोड़ देते हैं। अगर 18 साल का था तो 18, अगर 17 में था तो 17। अगर हम डेट को कोई भी डेट लिखते हैं, जैसे कि 10 अक्टूबर 2017 ऐसे लिखते हैं। कभी कभार बहुत कम लोग लिखते हैं ऐसा। तो आपको अगर इस साल में ऐसा कोई डेट लिखना है, मान लीजिए यह आपका 10th मार्च 2020 लिखना है तो आपको 20 नहीं 2020 मतलब 2020 पूरा लिखना है। इसका कारण एक ही है क्योंकि अगर आप सिर्फ ये 20 लिख के छोड़ देते हैं तो कोई भी बंदा आपका इस डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है। क्योंकि ये 20 के बाद अगर कोई 19 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 8 कुछ भी लिख देता है तो आपका ये डेट चेंज हो जाता है। तो खास करके अगर आपका ये डेट, अगर आप कोई भी मतलब बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या फिर आपके अकाउंट रिलेटेड कोई भी काम जिससे आपका पैसा जुड़ा हुआ है तो वो चीज़ तो मैनिपुलेट होने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस साल आपको कहीं भी डेट लिखना है कोई भी चीज़ का तो आप ज़रूर पूरा डेट मेंशन कीजिएगा।